पीएम नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को हरियाणा में रेवाड़ी में एम्स अस्पताल का शिलान्यास किया। इस दौरान उन्होंने एक रैली को संबोधित करते हुए कहा कि जो लोग कभी राम मंदिर बनने का विरोध करते थे वे अब जय सियाराम कह रहे हैं। पीएम मोदी ने इस दौरान जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाए जाने के फैसले का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि अब तो देश की जनता भी कह रही है कि 370 हटाने वालों को हम 370 सीटें देकर लाएंगे। पीएम मोदी ने कहा कि यह मेरी गारंटी थी कि 370 हटाऊंगा और वह होकर रहा। इस दौरान उन्होंने पूर्व सैनिकों के लिए वन रैंक वन पेंशन लागू करने का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि वन रैंक वन पेंशन से सबसे ज्यादा फायदा हरियाणा के लोगों को ही मिला है। पीएम मोदी ने कहा कि वन रैंक वन पेंशन से इतनी रकम पूर्व सैनिकों को मिली जितना कांग्रेस की सरकार में डिफेंस पर कुल खर्चा का बजट ही होता था। प्रधानमंत्री ने इस दौरान रेवाड़ी में एम्स का शिलान्यास किया और कहा कि मैं ही इसका उद्घाटन भी करूँगा। पीएम मोदी ने कहा कि मैं ऐसी तमाम गारंटियां गिना सकता हूं जो देशवासियों के आशीर्वाद से पूरा हो चुका है। अब यदि कांग्रेस का ट्रैक रिकॉर्ड देखेंगे तो यह है कि देश की आधी से ज्यादा आबादी को छोटी छोटी चीजों से दूर रखा गया। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज स्थिति यह है कि कांग्रेस के पास तो अपने कार्यकर्ता भी नहीं बचे हैं। इनकी जहां सरकारें हैं वहां उन्हें भी संभालना मुश्किल हो रहा है। पीएम मोदी ने कहा कि एक दौर था कि दक्षिण हरियाणा को थोड़ा पिछड़ा कहा जाता था लेकिन अब इसी इलाके में विकास तेजी गति से हो रहा है। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे अब इसी इलाके से गुजर रहा है। यह नू पलवल जैसे इलाकों से जा रहा है। उन्होंने कहा कि हरियाणा को पहले रेलवे के लिए 300 करोड़ का बजट मिलता था लेकिन इस बार 3000 करोड़ का रखा गया। प्रधानमंत्री ने कहा कि यह अंतर बीते 10 सालों में आया है। जींद रोहतक सोनीपत हांसी जैसे नई रेल लाइनों का विकास हुआ है। इसके अलावा अंबाला कैंट जैसी लाइनों के दोहरीकरण से लाखों लोगों का फायदा होगा। ऐसी सुविधाएं जब बनती है तो जीवन भी आसान होता है और कारोबार भी आसान होता है। पीएम मोदी ने कहा कि इस क्षेत्र में किसानों को पानी की बहुत समस्या रहती थी लेकिन इसके समाधान के लिए भी सराहनीय कदम राज्य सरकार ने उठाए। उन्होंने कहा कि आज की दुनिया की सैकड़ों बड़ी कंपनियां हरियाणा से चल रही है जिसमें नौजवानों को बड़ी संख्या में रोजगार मिला है।